हेलो, मैं आपके सामने आज एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। जो मेरे ये लेक्चर्स होंगे ये बिगिनर्स के लिए होंगे, जिनको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अभी सीखना है। एक बहुत खूबसूरत कहावत है अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी बिजनेस की भाषा है। अब अगर ये भाषा है, अगर ये लैंग्वेज है, तो कुछ ना कुछ तो बताती होगी, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्म करती होगी ना। तो अकाउंटेंसी क्या है बेटा? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये क्या बताती है? जब लैंग्वेज है तो कुछ ना कुछ तो बता रही होगी। तो मैं बताता हूं कि जब एक बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन मतलब कुछ लेन देन, अब बिजनेस करते हो आप या कोई और बिजनेस करता है, उसको आप देखते होंगे, इमेजिन भी कर सकते हैं इस बात के लिए आप कि आपने कुछ चीज बेची, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने कुछ कपड़ा बेचा, तो उस कपड़े को आपने उधार बेचा या नकद बेचा, वो एक अलग सीन है। लेकिन आपने बेचा है और जितने का बेचा है, यू सोल्ड गुड्स 4 rupees 10,000, आपने 10,000 रुपये का बेचा बेटा, उधार या नकद जो भी है, लेकिन इसके एक मॉनेटरी वैल्यू है 10,000। तो आप नकद बेचोगे तो आप बताओगे कि आपके पास पैसा आ गया। अगर आप उधार बेचोगे, अगर आपने बेचा उधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्रेडिट, अगर आपने उसको गुड्स क्रेडिट में बेचा, उधार बेचा, तो आप उसका नाम अपने यहां रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड क्यों करोगे? कल को आप भूल गए, एक हफ्ते बाद आपको याद नहीं रहा कि भाई आपने, एक बंदा है अजय, उसको गुड्स बेचा है, लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब याद कैसे रहेगा? अगर भूल गए तो सारा नुकसान आपका है। तो बड़ों की कहावत भी है कि पैसा दे या पैसा ले, उसको लिख, लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो बेटा नुकसान ही नुकसान है, सिर्फ नुकसान। तो ये लैंग्वेज हमें क्या बताती है? लैंग्वेज रिकॉर्ड करके उसको रिकॉल करना बताती है कि आप लिखोगे तो आपको फ्यूचर में रिकॉल कर पाओगे कि आपने किसको कितने का गुड्स बेचा था, कितने पैसे आपने लेने हैं। ये तो मैंने बेचने वाली बात की है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, आपने गुड्स मान लो परचेज किया, आपने गुड्स खरीदा है, उधार खरीदा है, तो भी आप रिकॉर्ड करोगे। मान लो आपने खरीदा 5,000 rupees का, आपने रिकॉर्ड कर लिया किस दिन मैंने बेचा, खरीदा और किससे खरीदा, ये सब आपने रिकॉर्ड कर लिया। और उससे तय हुआ कि एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 week, आप उसको पेमेंट कर दोगे। वो आया, भाई मेरे 6,000 rupees दे दे। हमने कहा भाई 6,000 थोड़ा ही है, ये देख मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा, उसका जो बिल था, बिल मतलब उसके उधार परचेज के भी बिल को हम इनवॉइस बोलते हैं, डिटेलिंग बाद में होगी इन सब चीज़ों की। इनवॉइस मेरे पास था उसके, उसका बनाया हुआ, तो वो सब मैंने उसको दिखाया, उसने कहा हाँ यार ठीक है, यू आर राइट, 6 नहीं है 5 है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स और लॉसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस लिए? रिकॉलिंग के लिए, कि आपको फ्यूचर में वो चीज़ें याद रहें। तो लैंग्वेज का इसमें क्या रोल रहा? वो रिकॉलिंग, मतलब अकाउंटेंसी इज अ साइलेंट लैंग्वेज, वो आपको ये बताती है। आप मतलब बुक्स को देखकर ये जान पाते हो कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स पास्ट में हुई थी, ठीक है ना। ये सब रिकॉलिंग, आपको मैंने दो फायदे बताए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दो फायदे बताए हैं। अकाउंटेंसी क्या क्या बताती है? अकाउंटेंसी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रिकॉलिंग करवाती है। अकाउंटेंसी ये बताती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर,
जब आपका साल खत्म हो जाता है तो आपका बिजनेस, अरे भाई बिजनेस करते हो तो दान दक्षिणा करने के लिए थोड़े किया हुआ बिजनेस, डोनेशन चैरिटी तो एक पार्ट है, पर बिजनेस का एक मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेल करना। तो आप ईयर के एंड में जान पाते हो कि आपकी सेल, आपकी जो सेलिंग है, गुड्स आपने जो बेचा है वो कितना बेचा है। लास्ट ईयर तो आपने इतना बेचा था, इस साल आपने इतना बेचा है, आने वाले साल आपका जो टारगेट है वो ये है। तो ये पता कैसे चलता है, ये क्या है? ये बेटा सपोज आपने 10 लाख का गुड्स बेचा था लास्ट ईयर, इस साल आपने 15 लाख का बेचा और आपका टारगेट अब की बार है 20 लाख का। तो जो इस साल 15 लाख का बेचा है आपको पता कैसे चला? सब कुछ पता चला है बेटा रिकॉर्डिंग से। टोटल चीजें, टोटल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंटेंसी के अंदर, तो ये अकाउंटिंग जो पूरा प्रोसेस है उसी में रिकॉर्डिंग भी आता है। रिकॉर्डिंग इसका मेन एस्पेक्ट है। रिकॉर्डिंग करोगे तो आगे कोई स्टेप शुरू होंगे और अकाउंटेंसी का आगे जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होंगे। रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इज नॉट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग सिर्फ रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग नहीं है बेटा। इसके बाद क्या क्या करते हैं हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो बिजनेस का जो ट्रेंड है हमारी सेल, जो मैंने बताया कि सेलिंग जो है, जो सेल्स है, सेल्स ये लो, सेल्स कितनी बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना ही है बेटा। ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ ये प्रॉफिट जान पाते हो आप बेटा। प्रॉफिट पहले से ज्यादा है या पहले से कम है, ये सब चीजें तभी मालूम होती हैं बेटा जब आप रिकॉर्डिंग करते हो। लेकिन आपको प्रॉफिट कम हुआ या मान लो कि आपको लॉस हो गया, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन लोगे ना। तो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज ने आपको बताया कि दिस इज योर कंडीशन, दिस इज योर कंडीशन, अब आप कोई नेसेसरी एक्शंस लीजिए कि ये लॉस क्यों हुआ, आगे फ्यूचर में ये लॉस ना हो उससे बचने के लिए आप नेसेसरी एक्शंस लीजिए। तो अभी इसमें से आपको कुछ लिखना नहीं है बेटा, ये मैं एक जनरल, एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डेवलप कर रहा हूँ अकाउंटेंसी है क्या। अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं इसको वैसे भी अभी रब कर दूंगा बेटा। हाँ बेटा, तो अकाउंटेंसी ने बताया रिकॉलिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद, रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉलिंग हो पाएगी, खाली मेमोरी बेस काम चलेगा तो अगर आप मेमोरी बेस चलाओगे बेटा तो डिस्प्यूट राइज होंगे। डिस्प्यूट से बचने के लिए रिकॉर्डिंग करते रहो, हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास रखते रहो। प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम हो गया। एक जो मैं एट द ईयर एंड की बात कर रहा था, एट द ईयर एंड आपको ये मालूम करना होता है व्हाट यू हैव, आपके पास ईयर के एंड में कुल कितना एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टी आपकी बन गई है, कितना कैश आपके पास है, दुकान में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, बिल्डिंग आपकी कितने की है, फर्नीचर आपका कितने का है। तो मालूम हो जाता है कि आप कितने बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, आपने कुछ डेवलपमेंट किया या नहीं किया इस दौरान बिजनेस करने के बाद। What you have to take आपने कितना लेना है, एक्चुअली आपने कुछ उधार बेच रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो उन लोगों से आपने कुल मिलाकर कितना लेना है, टोटल टेक इन टोटल व्हाट यू हैव टू पे, आपने पे कितना करना है। आपने कुछ उधार लिया हुआ है, लोगों से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है बेटा, तो इन टोटल ईयर के एंड में आपके पास मालूम हो जाता है कि विद इंटरेस्ट आपने कुल कितना लोन चुकाना है बैंक का, या जितना आपने गुड्स उधार परचेज किया हुआ बेटा वो आपने अपने उन लोगों को कितना पैसा आपने देना है, क्या देना है, क्या लेना है,
क्या आपके पास इन टोटल एसेट्स है, व्हाट यू हैव, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मालूम करने के लिए वी यूज अ वर्ड अकाउंटिंग। वर्ड नहीं है बल्कि ये पूरा प्रोसेस है, और मैं कहूंगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये जान है। अकाउंटेंसी आपके ब्लड में आ जाने चाहिए। और मैं इस बिगिनिंग की बात जो कर रहा हूँ, जो मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रियल बेसिक है। ऐसा नहीं है कि बेटा सर अभी पढ़ लिया हमने, अब जैसे आपके सीनियर्स कई बार आपको बोलेंगे, अरे इलेवेंथ जो है वो तो रेस्ट के लिए है बेटा, फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर। तो बेटा सिर्फ रेस्ट करने से काम चलेगा नहीं, रेस्ट और एन्जॉयमेंट लाइफ में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ में एन्जॉयमेंट नहीं हो, रेस्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप ड्यूटीज़ पूरी करते रहेंगे तो वो रियल रेस्ट होगा और वो रियल एन्जॉयमेंट होगा। नहीं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चोर रहेगा कि यार आपने कुछ ना कुछ काम छोड़ा हुआ है बेटा। और आपने अगर 11th क्लास या ये बिगिनिंग क्लास में अकाउंटेंसी को सीरियस ना लिया बेटा, तो इन फ्यूचर आप जितनी भी अकाउंटिंग करोगे वो बेसलेस होगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात आप याद रखोगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले करके देखोगे कि नहीं सर हम एक बार बिना पढ़े देखते हैं, इन फ्यूचर हम देखेंगे कि बेसलेस हुई या नहीं हुई। बेटा कोई आपको मना कर रहा है, कोई आपको बात समझा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती करके देखो, टाइम वेस्ट करके देखो पहले, तभी आपको मालूम होगा। ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि उस तार को हाथ ना लगाओ, उस तार में करंट है, तो आप उस तार को हाथ लगा के देखोगे पहले करंट है या नहीं है, है ना, ऐसा हो रहा है ना। तो ये टाइम वेस्टेज जो है वो सबसे बड़ा वेस्टेज होगा, सबसे बड़ा फ्यूचर में जो आपका लॉस माना जाएगा वो टाइम का माना जाएगा बेटा। टाइम वेस्टेज से बचना है तो बेसिक्स स्टार्टिंग से आप अपने क्लियर रखिए। और ये जो बेसिक क्लासेस होती हैं ये आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती हैं, अभी मैं आगे अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। ये कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती हैं जो बेसिक क्लासेस है आपकी, आपके लाइफ के बड़े बड़े एम हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अभी कोई एम बनाया ही ना हो, करियर के बारे में मैं बीच बीच में बात करूंगा बेटा। तो आपने हो सकता है एम ना बनाया हो, पर मैं कुछ कुछ कोर्सेज आपको बता रहा हूँ जो आप कॉमर्स के बाद परस्यू कर सकते हैं, कुछ मेन कोर्सेज, अ फ्यू कोर्सेज। कोर्सेज तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, मैं अभी कुछ कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत फेमस कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीज, ये CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, एक CMA USA वाला होता है बेटा, ये इससे हटके कोर्स है, नाम सेम है, CFA हो गया बेटा, ये क्या हो गया CFA, एक ACCA कोर्स हो गया। ये जो तीन कोर्सेज मैंने बताया आपको, ये बेटा फॉरेन कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, मैं बोलूँगा कि आपको फॉरेन कोर्सेज या इंटरनेशनल कोर्सेज इनके बारे में बोल सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, हो सकता है कि किसी किसी का ऑब्जेक्टिव ये भी बनाया हुआ हो, किसी ने अपना करियर ऑब्जेक्टिव करियर उसके पेरेंट्स ने बनाया हुआ हो, बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है, इससे बेटर और क्या। सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको ना एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट, अकेडमिक सब्जेक्ट, जिसमें कॉमर्स भी हो सकता है, जिसमें इकोनॉमिक्स हो सकता है, जिसमें हिस्ट्री हो सकता है, जिसमें मैथ्स हो सकता है, मैथ्स है नहीं है मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है, पर बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है उसके अंदर, और उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप उसमें कॉमर्स चूज़ करते हैं बेटा एज ए सब्जेक्ट, तो उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। किसी भी चीज़ की डेप्थ में आप जाने से पहले, अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं तो जाने से पहले आप उसके बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, और मैं उसी बेसिक्स की बात आज कर रहा हूँ आपसे। अकाउंटेंसी मैंने स्टार्ट किया बेटा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेसिक क्लास। तो बेस साउंड होगा तो आप
कुछ भी कर सकते हो बेटा, अकाउंटेंसी में किसी भी हद तक जा सकते हो। बेसलेस नहीं होंगे तो आपको कभी भी अकाउंटिंग टफ नहीं लगेगी, कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी, और अकाउंटेंसी में आपका बहुत ब्यूटीफुल करियर आपकी वेट कर रहा है। किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इन फ्यूचर टीचिंग करने का हो कि सर हम कॉमर्स में टीच करेंगे, अकाउंटेंसी टीच करेंगे या कॉलेज में टीच करेंगे। तो जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है बेटा, बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी एडवांस स्टडीज़ करने में मतलब लॉजिकल परेशानी डिफ़िकल्टी कोई नहीं होगी, लॉजिकल कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। चलो आज अकाउंट स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि आपने बताया कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो एक बिजनेस को रन करने के लिए व्हाट थिंग्स डू यू नीड, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सर एक तो जगह होनी चाहिए, बिजनेस में मतलब आपकी शॉप भी हो सकती है, आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आप बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, आपको क्या क्या चाहिए, एक जगह चाहिए। सर एक जगह चाहिए, लो जी बिल्डिंग हो गई। सर स्टॉक चाहिए, हम बेचेंगे क्या, लो जी स्टॉक चाहिए, स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज़ें जो आप, जिस चीज़ का आपका काम होगा, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा गुड्स होगा बेटा, मेडिकल की शॉप है तो मेडिसिन जो आप सेल करने के लिए लाए हो वो आपके लिए गुड्स होगा। अच्छा, आपने सपोज कन्फेक्शनरी की शॉप खोलने का इरादा किया, बिल्डिंग है यानी कि एक शॉप, ये आपने शॉप खोल ली बेटा, ये शॉप खोल ली बेटा। तो जब ये शॉप आपने खोल ली और आप लाए, कन्फेक्शनरी की शॉप है तो चॉकलेट्स, टॉफीज, च्युइंगम्स, बिस्किट्स लाए और आपने बिखेर दिए शॉप में, पेटी लाए और उड़ेल दी, रख दी भाई, अब क्योंकि बेचना है, ये सारा का सारा आपने इकट्ठा बिखेर दिया, ये लो जी टॉफी चॉकलेट सब बिस्कुट सब मिक्स हो गया। अब कस्टमर आया, जी मुझे तो एक चॉकलेट चाहिए 50 रुपीज़ वाली फ्रूट एंड नट, आप ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, ओहो मिल गई, ये आपने उठाकर उसको दे दी, लो जी आपकी फ्रूट एंड नट। एक कस्टमर आया, सर मुझको तो एक टॉफ़ी चाहिए सर, मुझको आप ऐसा करो 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ दे दो और जो इसमें पान का फ्लेवर आता है, लो जी ढूंढने लगे ढूंढने लगे, ये लो जी आप पान वाला फ्लेवर ले लो जी, और बोलो आप। तो क्या आपको ये सही लग रहा है सिस्टम, इसमें बिजनेसमैन सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग फ्यूचर, क्या ज़्यादा कस्टमर्स आने के बाद भी वो इसमें ईजी रहेगा, सब कस्टमर को गुड्स मिल जाएगा? नो नो नो, ये सिस्टम सही नहीं है। इट मीन्स यू नीड समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब कुछ और भी आपको चाहिए। शॉप के अंदर खाली बिल्डिंग होने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके अंदर, आपको उसके अंदर शेल्फ बनवाने पड़ेंगे, शेल्फ बन जाएंगे, यहाँ पर चॉकलेट आ गई, टॉफ़ी आ गई, फ्रिज में कुछ और आ गया, और आपने बिस्किट्स रख दिया, नमकीन्स रख दी, ऐसे ब्रांडेड चीज़ें आपने रख दी, और चीज़ें जो जो आपकी हैं उनको आपने बायफर्केट करके अलग से रख दिया ताकि हर चीज़ एक क्लियर पोजिशन पर दिखाई दे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ठीक, तो जो चीज़ आपने इसके अंदर ये डेवलप की है, शेल्फ बनवाए हैं, इसे बोलते हैं फर्नीचर। एंड फिक्स्चर, क्योंकि इसके अंदर आप फैन भी लगवाओगे, एसी भी लगवाओगे, ठीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक शोकेस टाइप बने, शोकेस टाइप बने। तो दीज ऑल
थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्स्चर. तो तीन चीजें हो गई बेटा, बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर. अच्छा, मैंने बोला था शॉप, चलो शॉप में तो ये सब चीजें चल जाती हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री होगा तो बिल्डिंग चाहिए, हाँ चाहिए, स्टॉक चाहिए, हाँ चाहिए. अच्छा, फर्नीचर, हाँ सर चाहिए, कहीं कहीं तो चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे तो उसको ऐसे थोड़ी ज़मीन पर गिर देंगे, ठीक है ना, तो फर्नीचर उसमें भी चाहिए. एक चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए फैक्ट्री को, शॉप से अलग एक चीज़ चाहिए, क्या? मशीन्स. तो बिजनेस करने के लिए एक फोर्थ कंपोनेंट मैंने आपको बताया, यू नीड मशीन्स, मशीन चाहिए. कैश आपको हमेशा चाहिए, पैसा होगा तो आप बिजनेस कर पाएंगे, डेली की जो पेमेंट्स होंगी, डेली का जो पैसा आना जाना, उसी से तो बिजनेस होता है. कैश इज द ब्लड ऑफ बिजनेस. अगर अकाउंटेंसी बिजनेस की लैंग्वेज है तो कैश बिजनेस का ब्लड है, क्योंकि कैश आपको हमेशा चाहिए, वो एक वर्किंग कैपिटल की तरह काम करता है. एक डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होंगे वर्कर्स को, वेज वर्कर्स को, उनका जो पैसा देना है आपने, उनकी जो सैलरी देनी है वेज वर्कर्स की, वो सब चीज़ें, और आपको कहीं से गुड्स या रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ठीक, उसने बोला पैसे दे जाओ, गुड्स ले जाओ और पूरा रॉ मटेरियल उठा लो, मैं तो सस्ता दे रहा हूँ. अब आपके पास पैसा होगा तो आप डिसीजन ले सकते हैं. तो कैश तो बहुत चीज़ों के लिए चाहिए, रूटीन खर्चों के लिए कैश चाहिए. कुछ बड़ा कस्टमर, कोई बड़ा कस्टमर आया, गुड्स मांग रहा है वो आपसे, आप उसे सैंपल्स दिखा रहे हैं, अब आपको उसे खुश भी करना है, आपको अपना एक बेस्ट पार्ट भी दिखाना है कि हम एक अच्छे दुकानदार हैं, और आपको उसे खुश करना है, मतलब कस्टमर को. तो आप क्या करते हैं, उसको लालच देने के लिए आप उसके लिए कॉफ़ी मंगा लेते हैं, आप उसके लिए बिस्किट्स मंगा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं. बेटा ये रिफ्रेशमेंट अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, डेली का रूटीन पैसा चाहिए, ठीक है ना. तो कैश तो बहुत चीज़ों के लिए चाहिए बेटा. तो कैश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने मेन मेन बता दी आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रूटीन में चाहिए, ठीक, एक बिजनेस डेवलप करने के लिए. अभी मैंने खिचड़ी बना दी है तो आप रुको, मैं ज़रा इसको साफ साफ लिख देता हूँ, आप उसको नोट जरूर करना. अब नोट करने वाला काम स्टार्ट होगा बेटा, अब आपको समझ में आना स्टार्ट होएगा कि हम कर क्या रहे हैं. बेटा अकाउंटेंसी ऐसा नहीं कि मैं सीधा सीधा नोमाइकल से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए आई थिंक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. इससे पहले आपने अकाउंटेंसी सिर्फ सुना होगा, नहीं किया होगा, ऐसा मानकर मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा. पर यह भी आपको पता होगा कि अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अकाउंटेंसी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि सीधे सीधा फॉर्मूला लगाया करना शुरू कर दिया, इसके न्यूमेरिकल में बेसिक्स बताने पड़ते हैं बेटा. बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, बहुत सारे बेसिक्स होंगे, थियोरेटिकल बेसिस होंगे, बेसिक्स होंगे, और कुछ टर्म्स के मीनिंग मुझे क्लियर करने हैं. अगर वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगे बेटा तो हम आगे अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. प्रैक्टिकल चीज़ों को रटना पड़ेगा, इसलिए टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा. तो अब आपका इंटरेस्ट थोड़ा जमना शुरू होगा. मैं बताता हूँ कि एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आसान पड़े आपको. यू नीड बिल्डिंग, यू नीड फर्नीचर, यू नीड स्टॉक, यू नीड कैश, यू नीड मशीन, और इस तरह की और चीज़ें हो सकता है आपको चाहिए. अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं बेटा, इनकी एक खास बात है कि एक तो ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या है, ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं. वैल्यूएबल
वैल्यूएबल थिंग्स हैं और दूसरी बात ओन्ड बाय द बिजनेस है, ओन्ड बाय द बिजनेस है, ओन्ड बाय द बिजनेस। और तीसरी बात क्या है, हेल्पफुल इन रनिंग द बिजनेस। ये खासियत इन चीजों की है। इन चीजों की ठीक है। तो जिस चीज में ये खासियत होती है बेटा, एक तो वैल्यूएबल है, ओन्ड बाय द बिजनेस है, ओन्ड है ये, ओन्ड बाय द बिजनेस, इनके बिजनेस उनका ओनर है, बिजनेस उनको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है बेटा, और हेल्पफुल इन रनिंग द बिजनेस, और बिजनेस को रन करने में क्या है, हेल्पफुल है। तो जिस चीज में ये तीन क्वालिटी पाई जाती हैं, उन चीजों को बोला जाता है बिजनेस की प्रॉपर्टी यानी के एसेट्स। ये पहली टर्म मैंने आपको समझाई है क्योंकि मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बताऊंगा, टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर होंगे बेटा, तभी मैं आगे आपके पास आपके साथ न्यूमेरिकल बातें कर पाऊंगा कि जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करूं बेटा, जब तक आपको कुछ टर्म्स ही क्लियर ना हो। तो सबसे पहली टर्म मैंने आपको क्लियर करी है बेटा आज, एसेट्स। एसेट्स आर द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल, विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड हेल्पफुल इन रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को रन करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये सब की सब चीजें क्या हो गई, एसेट्स। अब वैल्यूएबल है तो कुछ तो कीमत होगी। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमने जो एसेट्स परचेज की हैं इन टोटल हमारे लग गए इसमें 18 लाख रुपीस। ये रुपीस थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, आपके बेटा 18 लाख रुपीस लग गए दुकान खोलने में, क्योंकि आपको ये सब चीजें अरेंज करनी थी बेटा, तो लग गए ठीक है। हाँ जी, आपने ये मान लिया कि टोटल एसेट्स परचेज करने में आपके लग गए 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपीस लग गए और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें आपने परचेज की हैं बेटा, ये कैसे परचेज की हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा पैसा अभी होगा, हो सकता है कि कुछ पैसा, चलो ये बताओ कि ये टोटल 18 लाख रुपीस कहाँ से आए होंगे, कौन देगा ये पैसा, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में ये वाला पैसा कौन लगाएगा, कौन, ये पैसा आपका बिजनेस है तो बेटा आप ही लगाओगे और कौन लगाएगा, तो यानी कि सबसे पहले पैसा लगाएगा ओनर, खुश, तो ओनर लगाएगा। लेकिन बाबू ओनर के पास तो अभी हैं 11 लाख रुपीस, ओनर के पास पूरे पैसे है ही नहीं, पर उसको पूरी एसेट्स एक्वायर करनी है, एसेट्स होंगी तो बिजनेस चल पाएगा बेटा। ओनर के पास है 11 लाख, कितने पैसे कम रह गए सर, कम रह गए 7 लाख, वो पैसा हमें कौन देगा, वो पैसा हमें देंगे बेटा आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब जैसे कि बैंक, बैंक से आप लोन ले सकते हो ठीक है ना, अदर शॉपकीपर्स, अदर शॉपकीपर्स, और कौन दे सकता है पैसा, रिलेटिव्स, क्या
अच्छा रिलेटिव हेल्प नहीं करते? अरे करते हैं बाबू, आप करोगे नहीं करोगे? हाँ करेंगे, तो बस। तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं। तो चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो, बैंक हो, अदर शॉपकीपर्स हो, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड आउटसाइडर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर आउटसाइडर नहीं है, बाकी सब लोग आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में कुछ पैसा लगाया हमने और कुछ पैसा लगाया बाहर वालों ने। जितना पैसा हमने लगाया, ध्यान देना, जितना पैसा मालिक ने लगाया, और जितना पैसा बाहर वालों ने लगाया, ठीक है, इन चीजों को भी एक अलग नाम दिया जाता है। पहले मैं यहां तक का एक शॉर्ट रिवीजन आपको दे दूं बेटा। एक बिजनेस को चलाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सब, इन सब को हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स हैं क्योंकि ये वैल्यूएबल हैं और ये सब क्वालिटीज इसके अंदर हैं। उन एसेट्स की कीमत है 18 लाख रुपए, क्योंकि हम कोई एसेट खरीदनी है तो हमें 18 लाख रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब हमारे पास, ओनर के पास रह गए 11 लाख, तो हमें मजबूरी में बाहर वालों से लेने पड़े 7 लाख। ठीक, अब ध्यान देना, एक नई टर्म निकल के आ रही है। जितना पैसा दुकान का मालिक, दुकान का ओनर अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में लगाता है, उस पैसे को बोला जाता है बेटा, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल किसने दिया? मालिक ने। ठीक, तो इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं बेटा, दूसरे नाम से बोलते हैं इंटरनल इक्विटी। इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक, इक्विटी का मतलब लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल है। ठीक है ना, ये लायबिलिटी क्यों हुई, ये डिटेल भी मैं अभी बहुत जल्दी आपको दूंगा। चलो मैं समराइज कर दूं आपको बात, कि आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसमें एक कंसेप्ट ये बताता है हमको, उसमें एक कंसेप्ट हमें ये बताता है बेटा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग हैं। अगर बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ पैसे देता है तो बिजनेस के ऊपर ये कर्जा हो गया। ठीक, वो कर्जा उसको चुकाना नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक कर्जा है जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी या इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो जितना पैसा मालिक ने लगाया बिजनेस के अंदर, उस पैसे को बोला जाता है बेटा कैपिटल। तो कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल हो गई सर 11 लाख। ध्यान रखना, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, नॉट ओनली मनी, आप अपने घर की आधी बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करते हैं, तो उस बिल्डिंग की जो कीमत होगी वो यहां पर लिखी जाएगी और वो आपकी कैपिटल का पार्ट होगी, क्योंकि वो आपका अपना इन्वेस्टमेंट है। घर का कुछ फर्नीचर आप बिजनेस में ले गए, ठीक, और कुछ कैश घर का आपने दुकान में लगा दिया, तो ये सब चीजें जो आपने अपनी तरफ से लगाई हैं बिजनेस के अंदर, आपका अपना ओन्ड मनी है या ओन्ड आपकी एसेट्स हैं, तो उन सबका जो टोटल होगा उसको हम बोलेंगे बेटा कैपिटल। जितना पैसा हमको मिला बाहर वालों से, ठीक, दूसरे दुकानदारों से उधार मिलता है मेनली, या बैंक से लोन मिल जाएगा, बेसिकली इन दो चीजों को ही हम डील करते हैं। वैसे हम किसी से भी लें, सब लोन है, रिलेटिव से लें, फ्रेंड से लें, बिजनेस के लैंग्वेज में सब के सब आउटसाइडर्स हैं। ठीक, दूसरे शॉपकीपर से लें, ये सब के सब से लिया हुआ पैसा जितना भी होगा वो लोन के रूप में होगा। ठीक, तो बिजनेस के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? नॉट एवरीथिंग इज कॉल्ड लोन, हम इनको कुछ और वर्ड्स भी यूज करते हैं इनके लिए। आउटसाइडर्स ने हमारे बिजनेस में, 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, आउटसाइडर्स ने। तो आउटसाइडर्स ने हमारे बिजनेस में जितना पैसा लगाया, या मैं अदर लैंग्वेज में बोलूं कि हमारे बिजनेस ने जितना पैसा, हमारे बिजनेस ने जितना पैसा
आउटसाइडर से लिया, बाहर वालों से लिया, उस पैसे को बोला जाता है बेटा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, LIABILITIES। समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, दोबारा लिख देते हैं भाई, नाराज ना हो आप, बहुत जल्दी आप नाराज हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगी दूर करते हैं। विच कलर यू वॉन्ट बेटा, विच कलर डू यू वॉन्ट, विच कलर डू यू वॉन्ट, दिस इज वेरी गुड कलर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड। नाउ आर यू हैप्पी, स्माइल प्लीज, वेरी गुड। हाँ जी, बाहर वालों ने जितना पैसा लगाया, आउटसाइडर्स ने हमारे बिजनेस में जितना पैसा लगाया उसे बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जे, जितना पैसा हमने चुकाना है, बाहर वालों से लिया है तो ये चुकाना पड़ेगा, इस पैसे को हम रोक नहीं सकते। लेकिन जितना पैसा मालिक ने लगाया वो वापस नहीं करना पड़ता, वो तो वापस तब जाता है जब बिजनेस बंद हो जाए। अगर बिजनेस चल रहा है तो हम बाहर वालों का पैसा चुकाते हैं, वो बात अलग है कि ओनर अपनी कैपिटल को निकाल ले, थोड़ा सा निकाल ले, पूरा नहीं, थोड़ा सा निकाल ले कि मुझे कैपिटल कम करनी है, मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, या मुझे कुछ पैसा किसी और बिजनेस में लगाना है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर बिजनेसमैन सब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा तो उसका बिजनेस, आई थिंक ऐसा तभी होता है जब बिजनेस क्लोज हो रहा हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने दो टर्म आपको और बता दी, पहली टर्म बताई थी एसेट्स, दो टर्म उसके बाद मैंने बताई है बेटा, एक तो है कैपिटल और दूसरी है लायबिलिटीज। ये खिचड़ी ये जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है बेटा, इसको आप नोट कर लो, और इसको नोट करेंगे फिर मैं इनके बारे में कुछ लिखवा दूंगा। अभी मैंने समझाया है, कुछ वर्ड्स मैंने इनको नहीं दिए, जबकि मैंने एसेट्स को कुछ वर्ड्स दे दिए, दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स ओन बाय द बिजनेस, हेल्पफुल इन रनिंग द बिजनेस, इनके लिए भी मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी आपको। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ जी, लिख लिया बेटा, ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में लिखवाता हूँ। कैपिटल लिखेंगे मेरे साथ साथ, ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस, इन हिज बिजनेस आर कैपिटल। ये सब कैपिटल है। मैं एक और लैंग्वेज को लैंग्वेज चेंज कर बताता हूँ, लैंग्वेज मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए जरा, ओनर्स क्लेम, ये एक टेक्निकल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओनर्स क्लेम, OWNER, ओनर्स क्लेम इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, बताओ बच्चों, इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर का क्लेम यानी कि ओनर क्या कह रहा है कि मैंने कितना लगाया बिजनेस में, बिजनेस की टोटल एसेट्स में, अभी ऊपर के एग्जांपल में था कि टोटल एसेट थी 18 लाख की, जिसमें से 11 लाख ओनर ने लगाए थे, तो ओनर का क्लेम है 11 लाख रुपीस का। ओनर बोल सकता है कि मैंने 11 लाख रुपीस लगा दिए बिजनेस में। ठीक है बेटा, तो वो 11 लाख रुपीस जो होंगे वो होगी कैपिटल। ठीक, दूसरा मीनिंग, दूसरी टर्म
लाइबिलिटीज, ठीक, सेम लैंग्वेज में लिखूंगा, बस ऑनर की जगह मैं आउटसाइडर्स लिख दूंगा, जहां जहां पर ऑनर है वहां वहां पर मैं आउटसाइडर लिख दूंगा, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो आप भी ऐसा कर लीजिए बेटा, जहां जहां पर ये ऑनर की जगह अगर मैं ऑनर के प्लेस पर आउटसाइडर लिख दूं, ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द आउटसाइडर्स, हाँ यहाँ पे इन हिज नहीं आएगा, इन आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस में अगर कोई बाहर वाला पैसा लगाता है इस कॉल्ड, या बेटर रहेगा आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एज लाइबिलिटीज, कर्जे, ठीक है। कैपिटल के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था ऊपर, शायद आप भूल गए होंगे, कैपिटल के लिए एक वर्ड यूज किया था मैंने, इंटरनल इक्विटी। तो लाइबिलिटीज के लिए भी इसके सिमिलर एक वर्ड आता है बेटा, एक्सटर्नल इक्विटी। तो बिजनेस की नजर में दोनों ही लाइबिलिटी हैं, कैपिटल भी और लाइबिलिटी भी, लेकिन लाइबिलिटी जो होती है वो बेसिकली आउटसाइडर के क्लेम को हम सिर्फ लाइबिलिटी बोल देते हैं, और ओनर के क्लेम को, ओनर के क्लेम को एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक, या इंटरनल इक्विटी या इंटरनल लाइबिलिटी या खाली कैपिटल भी बोल देते हैं। तो इनके जो फेमस वर्ड हैं, जो ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा चलते हैं बेटा, प्रचलित हैं, वो ओनर के क्लेम के लिए कैपिटल वर्ड ही बोला जाता है, आउटसाइडर के क्लेम के लिए हम लाइबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, तीन टर्म, जो तीन मैंने आपको टर्म बताई आज, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये तीन बेसिक वाइटल टर्म्स हैं। बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्डिंग कर लो, किसी भी बिजनेसमैन के बारे में बात कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो, कोई भी अकाउंट बना दो, ठीक, ये कहीं ना कहीं ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है बिजनेस के अंदर, इन्हीं का रोल रहेगा हर जगह पर, ठीक। कुछ और बेसिक टर्म्स हमको जाननी जरूरी है। लायबिलिटीज के बाद मैं नंबर लगाता हूं बेटा, एक वर्ड आता है बेटा, मैं कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा बेटा तभी बात बनेगी, पांच सात कुछ टर्म्स आपको पता हो, इनका लॉजिकली मीनिंग क्या है, तभी हम बात कर पाएंगे ना बेटा, तभी आगे चल पाएंगे। विच कलर डू यू वॉन्ट रेड कलर। डेटर्स, डेटर्स एक वर्ड है, ये बी साइलेंट रहेगा बेटा, कुछ लोग इसको डेप्टर्स बोल देते हैं, पर इसको डेटर्स बोलते हैं बेटा, डेप्टर्स नहीं बोलना, हाँ जी, डेटर्स। डेटर्स कौन लोग हैं, मैं पहले लिख रहा हूं, पहले मैं लिखूंगा बेटा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा ये क्या है। टू होम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वो लोग हैं जिनको मैंने गुड्स उधार बेचा है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार,
यानी कि गुड्स मैंने बेच दिया और मुझे पैसे अब तक नहीं मिले, ठीक, ये लोग मेरे डेटर्स होते हैं बेटा। मैंने बड़ा सिंपलेस्ट मीनिंग लिखवाया, बहुत सारे लोग आपके डेटर्स होते हैं जिन लोगों से आपने पैसा लेना है, ठीक, किसी भी टाइम में लेना है, आपने गुड्स उधार बेच रखा है, आपने उनको पैसे दे रखे हैं, वो आपसे कोई एसेट ले गए हैं, उसके बदले उन्होंने पैसे देने हैं आपके, तो समथिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम द पीपल फ्रॉम होम यू हैव टू टेक आर कॉल्ड डेटर्स। आपसे आपने उनसे कुछ भी लेना है अगर, ठीक, वो डेटर होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा उसमें ये वाली लाइन यूज होगी कि जिनको आपने गुड्स उधार बेचा वो लोग आपके होते हैं डेटर्स। आप बस इतना जान लो अभी स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए, एडवांस तो हम होते रहेंगे, जब बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस क्लियर होने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एक अगला टर्म मैं आपको समझाऊंगा बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं ये कौन है यार, ये वो लोग हैं जिनसे मैंने उधार खरीदा। अगर मैं उधार बेच सकता हूं तो उधार खरीद भी तो सकता हूं, तो हम अपनी दुकान पर बेचने के लिए जो गुड्स लेते हैं, अगर हमने वो गुड्स उधार लिया, ठीक, तो जिन लोगों से मैंने उधार लिया वो लोग मेरे क्रेडिटर्स होंगे। फ्रॉम होम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वो लोग हैं जिनसे मैंने उधार खरीदा, वो लोग मेरे क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे बेटा। नेक्स्ट टर्म ड्रॉइंग्स। सर ये तो सुना सुना है। नहीं बेटा, ये वर्ड आपने सुना है, लेकिन जो टर्म मैं बता रहा हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वो ड्राइंग पेंटिंग आर्ट वाली ड्राइंग नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ अलग है, कभी सोचा ना था। यस, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब दुकान का मालिक दुकान पर बैठा है, घर से फोन आ गया, हाँ जी आते हुए दो बिस्किट के पैकेट लेते आना, सब्जियां लेते आना और कुछ पैसे लेते आना, कल मुन्ने के ट्यूशन की फीस भरनी है। नहीं नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, और रिफ्रेश भी रखता रहता हूँ कि हाँ याद रहे, ठीक। हाँ तो वो दुकानदार क्या करेगा, हुक्म आ गया है आका का, मानना पड़ेगा, तो वो दुकान के ड्रॉर में से क्या करेगा, पैसे निकालेगा, दुकान के ड्रॉर में से पैसे निकालेगा और रास्ते में से बिस्किट लेगा, वेजिटेबल्स लेगा, नमकीन लेगा, बस नमकीन, और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी निकालेगा क्योंकि कल उसको बच्चे की फीस भरनी है, ठीक है। तो जब दुकान के मालिक ने दुकान में से पैसा निकाला, क्यों निकाला, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला बेटा, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो दुकान का मालिक जब दुकान में से कुछ भी रिसोर्सेस, कुछ भी एसेट्स, कैश, गुड्स, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, कि दुकानदार ने ड्राइंग कर ली। ड्राइंग करने का मतलब उसने पर्सनल खर्चा किया, दुकान के पैसों से, बिजनेस के पैसों से उसने अपना पर्सनल खर्चा किया। चलो मैं इसके कुछ वर्ड्स लिखवाता हूं बेटा, ध्यान से। कैश और गुड्स, सर ये गुड्स क्या है बताऊंगा, कैश और गुड्स
drawn by the owner from his business. क्यों निकाले? गुड्स का मतलब है वो चीजें जिस चीज का आपका बिजनेस है, ठीक है ना। कपड़े की दुकान तो कपड़ा गुड्स हो गया, अभी हमने बताया था। तो दुकानदार ने गुड्स या कैश अपनी दुकान में से निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? फॉर हिज पर्सनल और होम यूज, अपने पर्सनल या घर के खर्चों के लिए उसने दुकान में से पैसा निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया। इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, इसे ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। आप इन बेसिक टर्म्स को आज बेटा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किसी का कोई लॉजिक क्लियर ना हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आई टेक द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से पढ़िए, काम जो है ना रूटीन में करो। ऐसा नहीं है कि भाई सर कभी कर लेंगे, सर इजी लग रहा है काम, ये तो समय में आ गया, सर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज़ आपको अभी आती है और आपको हमेशा याद रहेगी, ऐसा नहीं है। रिविजन इज मस्ट, तो आप रिवाइज करिए, पूरे टॉपिक अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कल जरूर लाइए बेटा। धीरे धीरे अकाउंटिंग और इंटरेस्टिंग होती रहेगी, ठीक है ना।